खतौली शासन के आदेश के बाद बुधवार सुबह से ही सभी राशन डीलरों ने मुफ्त राशन वितरण करने का काम शुरू कर दिया। सभी राशन डीलरों की दुकानों के बाहर राशन उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई। सर्वर पर अचानक अधिक लोड पड़ने के कारण काफी देर सप्लाई में देरी भी हुई। राशन डीलरों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया तो कहीं राशन डीलरों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। बायोमेट्रिक मशीन पर उपभोक्ताओं के हाथ साफ कराए बिना ही लगवाए गए। उनके हाथ साबुन या सैनिटाइजर से साफ नहीं कराए गए। राशन डीलर ने भी मशीन को साफ करने की कोशिश नहीं की। इस मामले को लेकर जागरूक उपभोक्ताओं ने SDM समेत पूर्ति निरीक्षक से भी इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए राशन डीलर को फोन पर ही फटकार लगाई। उसके बाद उसने मशीन साफ कर राशन वितरण करने का काम किया। नाम बताएं। साकिब। साकिब जी, कहाँ हैं आप? आए अपने राशन डीलर के पास आए राशन लेने। कितनी यूनिट है आपकी? हमारी 3 यूनिट है। कितना लंच, वो कितने चावल मिले आपको? 15 किलो मिले। कोई पैसे तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं लिया।